नमस्कार, मैं आरके सिंह रिपब्लिक 24 से। और जैसा कि हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत टिकरबुल्ला में, और हमारे साथ में बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत प्रधान नीलम कुमारी जी। तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि टिकरबुल्ला का जो काम है वो किस तरह रहा है समाज के हित को लेके। जो 3 साल का कार्यकाल जो पंचायत के अंदर बीत चुका है, वो कार्य कैसे रहे हैं समाज के हित को लेके। नीलम जी, रिपोर्ट 24 में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार बच्ची, रिपब्लिक 24 का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं सदैव आभारी हूँ। हमारी पंचायत में बहुत सारे ऐसे काम हुए, जैसे रास्ते, लिंक रोड, ये तो चलो रेगुलर काम है, चलते रहते हैं। कोई भी नया प्रधान आएगा, पुराना जाएगा, वो चलते रहते हैं। लेकिन मैंने जो अभी पंचायत में 2-3 काम किए हैं, मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करूँगी। कामों में एक तो हमने यहाँ पर बास्केटबॉल का मैंने ग्राउंड बनाया, 10 लाख के करीब उसकी लागत थी। उससे काफी बच्चों को खेलने में बहुत मदद मिल रही। और अभी बास्केटबॉल कहाँ बना मैडम जी? टिकर खत्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया, और उसमें अभी स्टेट लेवल के लिए भी यहाँ से हमारी टीम में गई थी। और उसके लिए अभी भी सुबह शाम बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते हैं और वो नशे से दूर हटकर अपना खेलने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और दूसरा जो हमारा काम था, जैसे आपने नशे की बात की है, हम नशे के ऊपर अगर आपसे चर्चा करें, आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ धसती जा रही है, वो क्यों फंसते जा रहे हैं, तो इसमें भी कुछ आपकी पंचायत की तरफ से अवेयरनेस स्टार्ट की है आप लोगों? हमने पहले किया था, कुछ युवा लड़कों को हम लोग मोटिवेशन के लिए पंचायत में हर वीक बुलाते थे। तो अभी भी हमने कुछ 2-3 लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, वो लोग अपनी मोटिवेशन रखते हैं युवा लड़कों के साथ। और थोड़ा सा जो नशे की तरफ बच्चे बढ़े हैं, तो इसमें जो हमारा नेचर ऑफ वर्क है वो चेंज हुआ है, उसकी वजह से बच्चे नशे की तरफ बढ़े हैं। अब जब हमारा टाइम था तो हम लोग घास लेते थे, पानी हम लोग कुएं से लेके आते थे, लेकिन आज की डेट में सारी फैसिलिटी घर में है, तो बच्चे एक किस्म का फ्री हो गए हैं। और वो जब फ्री हो गए हैं तो वो फोन के जरिए वो नशे की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रदाप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो उसके लिए रिपोर्ट 24 भी सराहना करता है। और अपने दर्शकों को ये बात जरूर मैसेज करेंगे कि जैसा कि नीलम देवी ने कहा है कि स्पोर्ट्स को लेके जो स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उन्होंने जो एक गेम को लेके जो स्टेडियम बनाया है, जो ग्राउंड बना है, उसमें बच्चे अगर बिजी रहेंगे तो जो नशे की तरफ उनका जो दिमाग जा रहा है उस तरफ ना जाके स्पोर्ट की तरफ ध्यान रहेगा तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये कि आपकी रोडों की व्यवस्था किस तरह की है? रोडों की अभी तो जो हमारे 3 साल हुए, मैं पहले भी 2 बार पंचायत की प्रधान रही हूँ, तो काफी कनेक्टिविटी मैंने की है पंचायत में। जो लिंक रोड जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम लोगों ने लिंक रोड का निर्माण किया है, और अभी तो पेवर ब्लॉक से ही हम लोग सभी लिंक रोड का निर्माण कर रहे हैं। और हाल ही में अभी वार्ड नंबर 1 में मैंने बच्चों के लिए ओपन झूले वगैरह भी लगवाए हैं, वहाँ पे भी छोटे बड़े बच्चे वहाँ पर आके एंजॉय भी करते हैं, खेलते हैं। पार्क की व्यवस्था की है? हाँ, वो 1 नंबर वार्ड में मैंने पार्क की है। और 1 वार्ड नंबर 4 में मैंने अभी जिम का भी, जो माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके माध्यम से हमें एक जिम भी यहाँ पर 5 लाख का लगा है, और उसके भी अभी सुबह शाम बहुत सारे लड़के जो हैं वो वहाँ पे व्यायाम कसरत अपनी कर रहे हैं। तो वो भी एक नशे की तरफ से भी हटकर बोलो और लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है, इसके लिए हम माननीय सांसद जी का भी धन्यवाद करते हैं। अच्छा मैडम जी, एक चीज बताइए आपको कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो गौशाला और डंगों को लेके इस तरह से पंचायत के अंदर का जो आपका एक मोटा मोटी खर्चा है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना आपने खर्चा कर दिया 3 साल के बीच में? 3 सालों में हमने लगभग 3 करोड़ से अधिक खर्चा कर दिया इसमें। और डंगों की बात है, वो 50,000 के डंगे भी उसमें लगे हैं, तो 40-50 के करीब डंगे भी लगे हैं। रास्ते हैं, लिंक रोड है, तो वो अलग अलग है सारा, लेकिन उनकी जो टोटल लागत है वो 3 करोड़ समथिंग है।